Our today's lecture is about the letter of credit. Letter of credit basically is a funding instrument that can be issued by any financial institution of every country. It's used to uh, uh, replace the movement of money or currency or paper currency from one place to another. It's very uh, unsafe and uh, difficult for a person to carry uh, a huge amount of paper money from uh, one country to another country. So we can use letter of credit instead of currency, and it can be in any currency throughout the world. There is different currency denominations that can be used in the letter of credit, and uh, there is a simple procedure of letter of credit. Let's Begin with the definition of LOC. We can define LOC as uh, it's also called a documentary credit or banker's commercial credit or letter of undertaking. It's a payment mechanism that is used in international trade, but it's not only used in international trade, but also we can uh, issue a letter of credit for personal use. So we should enhance the definition and uh, put in the comma that it's also used for personal. बेनिफिट्स टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक गारंटी फ्रॉम अ क्रेडिटवर्थी बैंक टू एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स मीन्स जब एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी गुड्स ट्रांसफ़र करना चाहता है या फिर वन पर्सन वॉन्ट टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री फॉर एनी पर्पज फॉर देयर स्टडी फॉर एनी थिंग तो वो मनी को अपने साथ लेकर जाने की बजाय एल ओ सी को यूज़ कर सकता है ठीक है इसका मेकनिज़म uh, बहुत सिंपल है कि कोई भी बायर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन पाकिस्तान सो एक uh, मैं पाकिस्तान में बैठ कर किसी बैंक बैंक के पास जाती हूं और ओपनिंग रिक्वेस्ट करती हूं को कि मुझे एक एल ओ सी इशू किया जाए ठीक है ईश्विंग बैंक क्या करेगा जिस कंट्री में मैं जाना चाहती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो ईश्विंग बैंक है इट्स इन पाकिस्तान एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू चाइना सो दिस बैंक इज इन चाइना सो so, मैंने इशुंग रिक्वेस्ट दी है अपने इश्विंग बैंक को ईशिंग बैंक क्या करेगा कम्युनिकेट करेगा जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है किसी दूसरी कंट्री में जिस कंट्री में मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर वो कन्फर्मेशन भी देगा उसको एडवाइजिंग भी देगा इसको हम एडवाइजिंग बैंक भी कहते हैं कन्फर्मेशन बैंक भी कहते हैं इसको हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंक भी कहते हैं जब एल ओ सी इशू कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने एक मेकनिज़म रखा है इट्स फॉर द बिज़नेस एल जिसको हम अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं कमर्शियल एल जिसे कहा जाता है तो बायर ने पेमेंट करनी है सेलर को ठीक है सेलर के पास गुड्स हैं जो कि ट्रांसफ़र करना चाहता है बायर को बायर ने बायर ने पेमेंट करनी है सेलर को तो वो अपने बैंक के पास जाता है कि एल इशू किया जाए यहाँ से हम कंफर्मेशन लेंगे बैंक क्या करेगा इसके साथ जो है इस बैंक को कहेगा कि आप इतनी अमाउंट uh, जो है वो अपनी कंट्री में इस पर्सन को पे कर दे ठीक है तो जो कंफर्मेशन बैंक है या एडवाइजिंग बैंक है वो सैलर को इतनी अमाउंट पे कर देगा ये पर्सन गुड्स डिलीवर करेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बायर और सैलर आपस में करेंगे और ये बायर जो है अपने बैंक के थ्रू इस पर्सन को क्या करेगा पेमेंट करेगा यानी कि बायर को मनी खुद लेकर जानी नहीं पड़ी ना बैंक को ट्रांसफ़र करनी पड़ी बैंक ने जो है एक बैंक के साथ रहा किया और आपस में जो है वो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र किया और इसने जो है इस बैंक ने अपने सरर को पेमेंट कर दी ठीक है ये एक सिंपल मैकेनिज्म है लेटर ऑफ क्रेडिट का हम यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और लेटर ऑफ क्रेडिट को जैसे कि मैंने कहा कि इट्स नॉट अ फुल डेफिनेशन इट्स यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज फॉर पर्सनल यूज तो हम लेटर ऑफ क्रेडिट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वन इज़ फॉर द पर्सनल यूज एंड द सेकेंड वन इज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड सो फर्स्टली हम देखेंगे कि पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है सो पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी इशूड फॉर ट्रैवलिंग ट्रैलिंग अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहता है फॉर एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी और उसके अलावा अगर कोई पर्सन ऑन जो है इंटरनेशनल स्टडी करना चाहता है अब्रॉड में जाकर पढ़ना चाहता है उसके लिए या फिर अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहता है अब्रॉड इन सब पर्पजेज़ के लिए जो है पर्सन एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं चाहे हमारे पास रीज़न कोई भी हो हम मनी को एक जगह से दूसरी जगह लेने के बजाय एल जो है अपने रेलिवेंट बैंक से इशू करवा सकते हैं और एल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और जो पर्सनल एल है वो किसी भी रीज़न के लिए हो चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो चाहे वो ऑनलाइन स्टडी के लिए हो सॉरी इंटरनेशनल स्टडी के लिए हो चाहे आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करवाना हो ठीक है हमारे पास पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट तीन तरह से इशू किए जा सकते हैं द फर्स्ट वन इज ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट द सेकेंड वन इज सर्कुलर नोट एंड थर्ड वन इज ट्रैवलर्स चेक हम वन बाई वन इन सबको स्टडी करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वट इज अ ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली तीनों के तीनों पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट हैं चाहे किसी भी रीज़न के लिए हो ट्रैवलिंग के लिए स्टडी के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये तीनों जो है वो किसी एक इंडिविजुअल ने दूसरी कंट्री में जो है वो मनी को यूज़ करने के लिए करवाने होते हैं ठीक है वन बाय वन इन सब के फीचर्स को स्टडी करते हैं हम सो ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले होता क्या है बेसिकली uh, जो uh, अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू ट्रैवल आई एम इन पाकिस्तान और मैं जो है वो चाइना में ट्रैवल करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं किसी भी अपने बैंक यानी कि बैंक ए के पास जाऊँगी और अपनी मनी जो है वो उसमें डिपॉजिट करवाऊँगी आई एम द कस्टमर ऑफ द बैंक बैंक में मनी डिपॉजिट करवाने के बाद मैं अपने कस्ट, जो बैंक है उसको रिक्वेस्ट करूँगी कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड सो आई वॉन्ट टू जो है मेरे पास एक लेटर ऑफ़ क्रेडिट हो जो कि ट्रैवलिंग के लिए हो ठीक है वो जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और एक लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दिया जाएगा जब एक लेटर ऑफ क्रेडिट ईशू किया जाएगा ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट उस ईशंस के साथ साथ ही जो है जो रेलिवेंट बैंक होगा चाइना में यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ यहाँ पे मैंने मेंशन किया चाइना एंड इधर बैंक कि जो जब लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है तो इशूइंग बैंक चाइना में जो कॉरेस्बॉन्डेंट बैंक होता है उसको इन्फॉर्म करता है कि हम इस पर्सन के नाम पर यह ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं वो जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पेयर का नाम भी मैंशन होता है जैसे कि मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाया तो मेरा ऊपर नाम मैंशन होगा और साथ ही मुझसे जो है ऊपर मेरे सिग्नेचर्स करवाए जाएंगे जब इशू किया जाएगा उसकी एक कॉपी जो है वो चाइना में जो रेलिवेंट बैंक होगा उसमें सेंड कर दी जाएगी कि हमारा ये कस्टमर जो है वो चाइना विज़िट करना चाहता है तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमने इशू किया है कि ये पर्सन जब भी आपके पास आए तो आप उसको चाइनीज़ करेंसी में मनी जो है वो देंगे जितनी अमाउंट का ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उतनी अमाउंट आप जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर विद्रा करवा सकते हो ठीक है ये पूरा प्रोसीजर है जब मैं चाइना जाऊंगी तो मैं इस बैंक में जाकर अपना वो लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाऊंगी मेरे लेटर ऑफ क्रेडिट को जो कॉपी होगी उनकी ओरिजिनल की उसके साथ मैच किया जाएगा अगर मैच हो जाती हैं तो मेरे जो है वो रीअ्योरेंस के लिए सिग्नेचर करवाए जाएंगे सिग्नेचर्स को मैच किया जाएगा और जितनी करेंसी मैं निकलवाना चाहूँ अपने बैंक से निकलवा सकती हूँ मीन इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप अपनी मनी एक बैग में डालो और वो बैग जो है वो अपनी सिस्टर को दे दो कि वो अपनी फ्रेंड को दे दे जो कि दूसरी कंट्री में है मेरी सिस्टर ने मेरा जो बैग है वो अपनी फ्रेंड जो कि दूसरी कंट्री में है उसको दे दिया अब मैं पहले अपने बैग से पैसे निकलवाती थी अब मेरा बैग मेरे पास नहीं है बल्कि जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड दूसरी कंट्री में है उसके पास है मैं उसके बैग से वन बाई वन जितनी मनी चाहूँ निकलवा सकती हूँ इट्स वेरी सिंपल इट्स कॉल द ट्रैवल्स लेटर ऑफ क्रेडिट इसके यही सारे फीचर्स हैं मैं ऑन डिमांड जितनी मनी चाहूँ मैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक यानी कि जो दूसरी कंट्री का बैंक है अब्रॉड में बैंक है उससे ऑन डिमांड मनी निकलवा सकती हूँ डेफिनेटली जब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी और अपना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाऊंगी तो मुझे अपने बैंक को एक सर्विस फ़ी भी पे, पे करनी है ठीक है द नेक्स्ट वन इज़ सर्कुलर नोट ये भी हम पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है वो इशू करते हैं सर्कुलर नोट में देर इज़ नो डिपॉजिट ऑफ मनी जैसे कि ट्रैवलर्स चेक में था कि आपको पहले मनी डिपॉज़िट नहीं करवानी पड़ती इसमें होता क्या है बैंक कस्टमर बैंक के पास जाता है जैसे कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान के किसी बैंक के पास जाती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ फ़ॉर अ सर्कुलर नोट ठीक है जब मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो मेरा बैंक जो है वो पहले तो सर्कुलर नोट इशू करेगा ठीक है यहाँ पर आ जाएगा इशुनस ऑफ सर्कुलर नोट जब सर्कुलर नोट इशू किया जाएगा उसी टाइम पे जो है वो मेरा जो जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाइना में ट्रैवल करना चाहती हूँ तो चाइना में जो बैंक होगा बैंक इन चाइना वहाँ पर एक इंडिकेशन भेज दी जाएगी कि हमने जो है वो सर्कुलर नोट इशू किया है ठीक है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को बता दिया जाएगा कि हम एक सर्कुलर नोट इशू कर रहे हैं जैसे ही सर्कुलर नोट की इशुन्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को मिल जाती है उसी के साथ साथ हमारा जो अपनी कंट्री का बैंक है वो हमें सर्कुलर नोट के साथ साथ एक और लेटर देता है जिसको हम लेटर ऑफ इंडिकेशन कहते हैं लेटर ऑफ इंडिकेशन जो है वो ट्रेवेलेबल होता है सर्कुलर नोट का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी मनी में जाओ दूसरी कंट्री में जाओगे और उनको अपना नोट दिखाओगे तो वो आपको पैसे पे करेंगे मनी के लिए जो है वो आपको लेटर ऑफ इंडिकेशन दिखाना होगा चाइना के बैंक में जाकर आप उनको ये नोट दिखाओगे और वो आपको आपकी पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे कर देंगे ये ट्रैवलर्स चेक से इस तरह से डिफरेंट होता है कि ट्रैवलर्स चेक जैसे कि मैंने कहा कि एक बैग है जितनी मनी चाहे निकलवा सकते हैं सर्कुलर नोट में ऐसा नहीं होता लेटर ऑफ इंडिकेशन इशू किया जाता है जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम लेटर ऑफ इंडिकेशन दिखाते हैं हमें एक अमाउंट जो है वो पे कर दी जाती है जब हम अपनी कंट्री में वापस आते हैं तो सर्कुलर नोट के साथ साथ लेटर ऑफ इंडिकेशन भी हमें अपने बैंक को रिटर्न करना होता है ठीक है अब ये तो इसका प्रोसेस है कि आप जब दूसरी कंट्री में जाते हो तो लेटर ऑफ इंडिकेशन दिखाते हो जब कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री में जाकर लेटर ऑफ इंडिकेशन शो करता है तो आपका जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होता है वो आपका लेटर ऑफ़ इंडिकेशन में आपके सिग्नेचर्स को देखता है री इंश्योरेंस के लिए आपसे दोबारा सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं अगर लेटर ऑफ इंडिकेशन के सिग्नेचर्स और दूसरे सिग्नेचर्स मैच नहीं करते उस केस में आपको मनी रिटर्न नहीं की जाती आप दूसरी कंट्री में जाकर मनी यूज़ नहीं कर सकते री इंश्योरेंस के लिए साइंस का मैच होना बहुत ज़्यादा

उस केस में अगर आप दूसरी कंट्री में जाकर लेटर ऑफ इंडिकेशन दिखाते हो और सिग्नेचर सेम कर लेते हो और मनी ले लेते हो हालांकि वो एक फेक था तो उस केस में देर इज़ नो रिकवर ऑफ़ मनी आपके बैंक को आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी ठीक है मीन्स इट्स नॉट सेव आपकी बजाय कोई थर्ड पर्सन भी जाकर आपके लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ कर सकता है तो सर्कुलर नोट्स आर नॉट एज सेव एज द ट्रेवलर चेक जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लास्टली हमारे पास पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट में आता है ट्रैवलर्स चेक ट्रैवलर्स चेक मीन्स के ये एक ऐसा चेक होता है जिसके थ्रू आप अपने बैंक से ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हो मैं जैसे कि पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान के किसी बैंक के पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू विज़िट अब्रॉड और मुझे जो है वो मनी को ट्रांसफ़र करना है और मैं मनी साथ में नहीं लेकर जाना चाहती तो मैं क्या करूँगी एक चेक बुक लूँगी चेक बुक में देर आर नंबर ऑफ़ चेक्स जिसमें मैं जो है अपने बैंक के सामने सिग्नेचर्स करूँगी ठीक है वो जो चेक बुक होगी मैं दूसरी कंट्री में लेकर जाऊंगी और वहाँ पे जो भी मेरे बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होगा वहाँ से जाकर अपने चेक्स को इन कैश करवा सकती हूँ मींस देर इज़ नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट देर आर मल्टीपल चेक्स और अगर कोई भी चेक मुझसे घूम जाता है या फिर फट जाता है उस केस में मैं बैंक चेक को रिप्लेस भी कर सकती हूँ ठीक है तो ये एक सिक्योर वे है ट्रेवल्स uh, चेक आपकी मनी को ट्रांसफ़र करने का कि देर इज़ नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि अगर आपसे गुम हो जाए तो आप मनी को यूज़ भी नहीं कर सकते आ, लेकिन यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चेक्स होते हैं डिफरेंट अमाउंट्स के आप चेक्स जो है वो पहले राइट करते हो अपने बैंक के सामने हमारा जो बैंक है वो दूसरी कंट्री के बैंक को कोई भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो सकता है वहाँ से रबता करता है कि हमारे चेक्स मीन्स जैसे कि अगर आपके पास अलाइट बैंक का चेक हो और आप किसी दूसरे बैंक यानी कि एच से जाकर उसको विदड्रॉ करवा लेते हो और वो बाकस में खुद आपस में क्लियरेंस कर लेते हैं सेम वैसा ही है कि एक कंट्री का बैंक किसी दूसरी कंट्री के बैंक के साथ ऐसे इंटरलिंक्ड है कि वो अपने कस्टमर को दूसरे बैंक के पास भेजते हैं कि आप इनकी जो है वो ज़रूरतों को पूरा करें इनके चेक्स को कैश करें और बाद में हम आपस में क्लियरेंस कर लेंगे ठीक है ट्रैवलर्स चेक एक सिक्योर चेक होता है इसमें भी जब आपने आ, आ, क्या उसे कहते हैं चेक के ऊपर साइन क्या होता है दूसरी कंट्री में आप जाते हैं तो आपका जो चेक है उसके ऊपर वाले सिग्नेचर्स के बैक पर आपसे जो है वो काउंटर साइन लिया जाता है आपके पास तीन तीन दफ़ा साइन करवाए जाते हैं ठीक है तीन दफ़ा सिग्नेचर इसलिए करवाए जाते हैं ताकि चेक किया जा सके कि, कि क्या आपके सिग्नेचर और पहले वाले सिग्नेचर्स मैच करते हैं अगर वो तीनों सिग्नेचर्स आपस में मैच कर जाते हैं तो आपके चेक्स को इनकेश कर दिया जाता है ठीक है ये तीनों जो है वो पर्सनल काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट थे जो कि कोई भी इंडिविजुअल ट्रैवलिंग uh, के लिए यूज़ कर सकता है